ये ट्रेन हम आपको जो दिखा रहे हैं ये स्ट्रेट लॉक, स्ट्रेट पुश, स्ट्रेट टेस्ट और बैक। इसमें स्ट्रेट मूवमेंट स्ट्रेट है, स्ट्रोक स्ट्रेट है, लेकिन मूवमेंट क्रॉस है। ये खिलाड़ी क्रॉस मूवमेंट भी कर रहे हैं, स्ट्रेट मूवमेंट भी कर रहे हैं, आगे मूवमेंट भी कर रहे हैं, पीछे भी स्पीड से जा रहे हैं, फॉरवर्ड भी स्पीड से आ रहे हैं। तो ट्रेनिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें खिलाड़ी को हर किस्म का स्टेप, हर किस्म का स्ट्रोक खेलने का मौका मिले और उसका वो आदि हो और वो इजी फील करे जब मैच हो। तो बैडमिंटन गेम ऑफ थ्योरी, गेम ऑफ प्रैक्टिकल, गेम ऑफ टेक्निकल, गेम ऑफ थ्रेटिकल। तो बैडमिंटन एक आम गेम नहीं है कि जिसको आप इजी लें कि बैडमिंटन इजी है। इजी तब है अगर आपकी रिसर्च है, आपका रिसर्च वर्क है, देन इजी। तो आइए दोबारा देखिए। स्पीड वर्क इसको वही प्लेयर फेस कर सकता है जिसका एक्सपीरियंस है, फिटनेस है, जुनून है और उसको अपने आप को मेंटेन करने का उसका एक एम है। फिर जाके इस ट्रेनिंग को कोई खिलाड़ी फेस कर सकता है, बेयर कर सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं। अदरवाइज ये वाले जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, they are far away from concept of this training. Nobody can face, nobody can deal, nobody can play this training, nobody can show. So now you see.
ये थी आज की ट्रेनिंग। हम आपको कल सुबह 7 बजे बैडमिंटन हाउस डस्का से आपको हम मिलेंगे। कल सुबह 7 बजे बैडमिंटन हाउस डस्का लाइव फेसबुक बैडमिंटन ट्रेनिंग, जिसमें आप बैडमिंटन की काफ़ी ट्रेनिंग, डिफरेंट ट्रेनिंग और देखेंगे और सीखेंगे। थैंक यू सो मच।